जिंदा जलते हुए देखा। काश ये सरकार हमारे को पहले इंसाफ देती, हमारी ये दुर्दशा न होती। सरकारों को बचाना नहीं चाहिए? कितने साल, 34 साल बचाया। इन्हें हाथ नहीं उठाई, इन्हें हाथों से खड़े होकर बोलवाए। सरयाम 3 दिन तक कतलेआम हुआ है, घरों में आग लगाई, जिंदा जला दिया गया है। चलो इतने साल बाद ये तो यकीन हुआ कि इनको मारा गया, नहीं तो ये तो कहते थे भाई। जो लोग पावर में होते हैं और वो ऐसे घिनौने जुर्म करते हैं, उनके लिए ये एक सीधा मैसेज है कि ये ना सोचो कि आप पावर में होके बच रहोगे, बच जाओगे। कभी ना कभी फिर देखो, अगर ऐसे काम करोगे तो बुढ़ापा आपको जेल में बिताना पड़ेगा। टुडे आई डिमांड आंसर्स फ्रॉम राहुल गांधी, हु सेड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो दैट कांग्रेस हैड नो हैंड, कांग्रेसमैन हैड नो हैंड इन द जेनोसाइड। हम एनडीए की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। अब तो सजा उनको होनी चाहिए जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया, जिन्होंने इसको करवाया। ये पाप कांग्रेस पार्टी के ऊपर से कभी हट नहीं सकता। आज आत्मचिंतन करना चाहिए, आज कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और कम से कम आज के दिन कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि देश को किस प्रकार से भ्रमित किया, देश को बरगलाने की कोशिश की गई। आरोप तो फिर 2002 के दंगों पर बहुत बड़े पड़े, पर्द देश के पदों पर बीजेपी के नेता हैं, तो फिर तो वहां से शुरू होनी चाहिए कार्रवाई। तो क्या कांग्रेस ने लिखी सिख दंगों की पटकथा? बल्कि दंगा नहीं, इसको नरसंहार कहा जाना चाहिए। ये जेनोसाइड था, 3,000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम किया गया। ताल ठोक के शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस ने लिखी 84 के नरसंहार की पटकथा। शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में पूछेंगे कि क्या महागठबंधन को राहुल का नेतृत्व कबूल नहीं है, 1 घंटे बाद शाम 6 बजे। लेकिन इस वक्त की बहस देश के सबसे बड़े नरसंहार में अब तक के सबसे बड़े फैसले पर। यह बहुत बड़ा फैसला है, 34 साल पहले हजारों सिखों को मार डाला गया, नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। पीड़ित इंसाफ के लिए लगातार तरसते रहे, लेकिन जो आरोपी थे वो न सिर्फ खुलेआम घूमते रहे बल्कि संसद में और मंत्री पद की शोभा बढ़ाते रहे। और ऊपर से सबसे बड़ा झूठ ये कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी याद होगा बड़ी बेशर्मी से ये कहते रहे कि दंगों में कांग्रेस की भूमिका ही नहीं थी, कांग्रेस नोवेयर इन्वॉल्वड, ये राहुल गांधी ने कहा था। सोचिए, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस झूठ को उजागर कर दिया और 3 बार के कांग्रेस के सांसद, जी हां, कांग्रेस के सांसद रहे सज्जन कुमार को आज हाई कोर्ट ने 5 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट टिल डेथ, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 31 तारीख तक सरेंडर करना होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग सिखों के नरसंहार में शामिल थे उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज था। यह फैसले की कॉपी मेरे पास है, मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कोर्ट ने क्या कहा। मैं चाहूंगा इस पर अगर जूम किया जा सके। द मास किलिंग ऑफ सिक्स बिटवीन 1st and 4th November इन दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री इंजीनियर्ड बाय पॉलिटिकल एक्टर्स, इंजीनियर्ड बाय पॉलिटिकल एक्टर्स विद द असिस्टेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसके नीचे लिखा गया, द क्रिमिनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास क्राइम्स हैव एंजॉयड पॉलिटिकल पेट्रोनेज एंड मैनेज टू इवेट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, एंजॉयड पॉलिटिकल पेट्रोनेज मतलब राजनीतिक संरक्षण। कोई था जो बचा रहा था, कोई था जिसने फैसले को लटकाने की पूरी कोशिश की, कोई था जो नहीं चाहता था कि सिखों को इंसाफ मिले, कोई था जो ना सिर्फ मरहम लगाने के सवाल पर पीछे हटता था बल्कि जख्मों को कुरेदने का काम किया गया इन 34 सालों के दौरान। बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक संरक्षण देने वाले कौन लोग थे, या ताल ठोक के में हम जानने की कोशिश करेंगे, एक्सपोज किया जाएगा उन्होंने क्यों दंगाइयों का संरक्षण किया, उनको संरक्षण दिया, ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज जिस शब्द का इस्तेमाल आज कोर्ट ने किया। ताल ठोक के बहस इसी
बहस इन्हीं मुद्दों पर और सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर एक, सिखों का सबसे बड़ा नरसंहार, क्या कांग्रेस है गुनहगार जो पूरी तरह से साफ हो चुका है। सवाल नंबर दो, सिख दंगों पर राहुल के झूठ पर क्या ये सत्य की जीत है। सवाल नंबर तीन, कांग्रेस का हाथ सिखों के कातिलों के साथ। सवाल नंबर चार, सज्जन को सजा से इंसाफ की आस क्या पूरी है, क्योंकि कई सिख नरसंहार पीड़ित हैं जो यहां पर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या थोड़ा मरहम लगा जो जख्म है, मानेंगे क्या इंसाफ हुआ। सवाल यह भी कि सिख दंगों पर कांग्रेस की माफी क्या काफी है, क्योंकि एक तरफ ये कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, फिर ये कहा गया कि मनमोहन सिंह ने माफी मांग ली है, फिर ये राहुल गांधी सामने आए नई पीढ़ी के नए नेता, वो तो यहां तक कहने लगे किस तरह से जख्मों को कुरेदा गया, बल्कि उस पर तेजाब डालने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि कांग्रेस तो शामिल ही नहीं है इन दंगों में। मेरे साथ आपको बता दें नुपुर शर्मा है और बीजेपी के प्रवक्ता है, जोरदार तालियों के साथ नुपुर शर्मा का स्वागत। मेरे साथ कपिल मिश्रा है जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं और देखिए हमारे साथ निशांत वर्मा हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, देखिए हमेशा कहा गया कि सिख दंगा पीड़ितों पर राजनीति की गई पद के लिए, लेकिन जिस शख्स ने पद छोड़ दिया सिख दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो शख्स हमारे साथ है एचएस फुल्का साहब। आज वाकई में फुल्का साहब, आज जितने भी दंगा पीड़ितों से मैं मिला सबके हीरो हैं सर आज आप, जो 34 साल लंबी लड़ाई आपने लड़ी और उसको अंजाम तक पहुंचाया, आप मानेंगे कि आज इंसाफ हुआ है, इंसाफ मिला, देर है अंधेर नहीं। और आज सज्जन कुमार को जो उम्र कैद की सजा हुई वो वाकई में जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा फैसला। फुल्का साहब, सबसे पहले तो अमन जी मैं जी टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको भी मुबारक देता हूँ, क्योंकि जब से जी टीवी शुरू हुआ है तब से मेरे साथ बड़े क्लोज लिंक रहे और आपने जे 1984 के कत्लेआम की जो जो डेवलपमेंट है आपने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। और दूसरी बात, आज ये बहुत बड़ा दिन है, आज ये जो जजमेंट आई है वो मेरे लिए तो है ही है, पीड़ितों के लिए भी है, मगर ये सारे देश के लिए है। आज ये जो हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर मैसेज भेजा है कि जब सत्ता के में आके सत्ता के नशे में जो लोग जुर्म करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आज आप सत्ता में हो आप बच जाओगे, मगर कल को कोई पता नहीं कब आके कानून आपको दबोच ले और आपको जवानी में किए हुए जुर्मों का बुढ़ापे में जेल में बैठ के सड़ना पड़े। ये बहुत बड़ा मैसेज है और क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में कहा जाता है कि पनिशमेंट एक्ट्स एज ए डेटरेंस, तो ये जो मैसेज गया है ये हम हाई कोर्ट के बहुत धन्यवादी हैं और ये आज बहुत बड़ा दिन है सारे देश के लिए, मैं तो ये कहूँगा। एंड और सबका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने इसमें साथ दिया। फुल्का साहब, एक चीज मैंने शुरुआत में की थी, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी छोड़ा था, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि कई लोगों ने सिख दंगा पर राजनीति करके पद हासिल कर लिया और पदों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने पद छोड़ दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार तबाह हुआ सिख दंगों के दौरान, नरसंहार के दौरान जिंदा जला दिया गया, छतों से फेंक दिया गया, कुछ लोग हैं और माता जी की आंखों में अभी से आंसू हैं। माता जी, अगर मैं आज का दिन आपसे समझना चाहूं, जो नुकसान आपका हुआ, जो खोया आपने, उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आज आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिला या जो जख्म है उसमें कम से कम मरहम लगा? आज 34 साल हो गए हम इस दंगे को लड़ते लड़ते, आज थोड़ा लगा कि सरकार ने हमें जख्मों पे मलहम लगाई है, थोड़ा इंसाफ की अब देख रहे हैं किरण के इंसाफ मिला है, पर क्या इसका कोई पता नहीं है कि ये जो 15 दिन के लिए इन्होंने मोहरत मांगी है, कभी वो अपील करके ना कोई अपना ये कर ले, सज्जन कुमार को फांसी लगनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि फांसी लगे और जैसे हमारा परिवार भटक रहा है उसका भी परिवार भटके, उनको पता लगे कि फांसी क्या होती है, सिखों को मारना कैसे, मेरे घर के 11 जीव गए, मेरे दिल से क्या बीत रही है, छोटे छोटे बच्चे गोदी में से जिन जिनके मारे, परिवार का परिवार तो गया पर जनानियों को बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, बहुत हमारे साथ जो हादसा होया है, हम किसी को क्या कहें, अपना चोला उठाएंगे तो अपना ही पेट नंगा होना, हम कह ही नहीं सकते, ये बात तो हमें खुद शर्म सी आती है, पैर रखने की जगह नहीं थी।
आपके राहुल गांधी कहता है कि कांग्रेस का हाथ नहीं है, जब कांग्रेस का हाथ नहीं होता तो हमारे सिख भी नहीं मरते, ये कभी भी नहीं हो सकता हमारे साथ, नहीं तो सिख हमारे आमने सामने मुकाबला बहुत किया था, पुलिस आई कहते घरों में चले जाओ, हमारे घर में गए सिख जब मारे गए, नहीं तो मरने वाले हमारे सिख भी नहीं थे, मुकाबला करने वाले थे, पुलिस ने हमारे घरों में डाला, जब जाके वो बाहर के बंदे आए, एक घर में जो 50 बंदा आ जाएगा तो एक जना क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, उनके हाथ में पेट्रोल था, उनके हाथ में वाइट पाउडर था, सिख ऐसे मरे गए, नहीं तो मरने वाले नहीं थे हमारे सिख। आपके परिवार के 11 लोग, 11 गए, मेरे चार तो भाई गए, मेरी बहनों के घर वाले गए, मेरे नंद का, मेरे भतीजी का, मेरा भतीजा, मेरा 11 जने गए घर के। निशांत वर्मा हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं। निशांत वर्मा जी, मेरे ख्याल से आपसे सवाल क्या पूछूं, आज तो शर्म शायद आपको भी आ रही होगी कि आप ऐसी पार्टी का समर्थन करते हैं जिसके तथाकथित नेता कहते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं ऐसी महिलाओं का, ऐसे पीड़ित पक्ष का, कहते हैं कांग्रेस शामिल ही नहीं, आज भी कहेंगे आप कांग्रेस शामिल ही नहीं, या आज आपको भी शर्म आ रही है अपने नेता पर कम से कम? आपने मुझे कांग्रेस से प्रेरित बताया जो कि मैं एक्चुअली नहीं हूं, खैर कोई बात नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान से प्रेरित हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन दोनों बहनों का जिन्होंने इतने साल की लड़ाई लड़ी राजनगर केस को लेके, और फुल्का साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेक श्योर किया कि जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिले, इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करूँगा। दूसरी बात, नहीं सर धन्यवाद मत करिए सर, मैं आपको बताऊँ, एक मिनट निशांत जी ये आज आप पाला बदल रहे हैं, अच्छी बात है सर, मैं आपसे लगातार डिबेट करता रहा हूँ, आप कांग्रेस के आज विरोधी होंगे, मेरे को पता आज होना भी चाहिए सर, आज कोई भी नहीं होगा जो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। आप मुझे धन्यवाद नहीं सर, आप मुझे बताइए कि क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए या क्या करना चाहिए राहुल गांधी को जो कहते कि कांग्रेस पार्टी शामिल ही नहीं। बात पे आ रहा था जी, जी बताइए निशांत, मैं उसी बात पे आ रहा था यदि आप सुनते तो। सबसे पहली बात तो ये जो हैशटैग आपने चला रखा है कि कांग्रेस कातिल है, उस बात में मैं बिलीव नहीं करता, दर्द हुआ सर। उसका मैं आपको खास कारण बताऊं, आप जी, से जी। मैं बोलता हूं, आप सिलेक्शन पिक करते हैं 25 अगस्त 2018 इंग्लैंड में राहुल गांधी ने साफ दो बातें कही थी, आपने एक बात तो सबको बताई कि वो ये कहते हैं कि कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है, आप दूसरी बात ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कहा था कि मैं 100% उन लोगों के साथ हूं कि जहां पे पनिशमेंट मिले जो लोग इन्वॉल्व थे, तो अगर आज पनिशमेंट मिला है तो राहुल गांधी भी उससे खुश रहे होंगे। मैं ऐसा करता हूं, छोड़िए निशांत, आधी बात बताई ठीक सर, कातिल कांग्रेस, बात बताई 84 की कातिल कांग्रेस सर, आज तो मैं उस बात को पूरा कर देता हूं, सांसद कांग्रेस के सांसद रहे, एक मिनट कुछ, हां कातिल कांग्रेस मानती कोर्ट, हाई कोर्ट, कांग्रेस कातिल, देखिए मैंने कांग्रेस नहीं होती तो हम क्यों मरते, कांग्रेस ने मारा जिंदों को जलाया, टायर डाल के जलाया, मैन बेटियों की इज्जत लूटी, मेरे पत्र साहब का बच्चा जला दिया, मेरे घर बार लूट लिया, मेरे 11 आदमी मेरे घर के गए, कांग्रेस थी ये, जो कांग्रेस नहीं थी तो राहुल गांधी आता, राजीव गांधी आता, कहता बहनों हम नहीं है, हम नहीं है गुंडागर्द और है, हमारे पास कोई भी नहीं आया, तो कांग्रेस है पक्का चोर, कांग्रेस है, कांग्रेस आज तक भी चोर है, आज तक भी हमारा कातिल कांग्रेस है। नुपुर, नुपुर। बात पे सबसे पहली बात तो ये है कि जब माता जी बोल रही थी तब भी कांग्रेस के जो यहाँ पे पक्ष में बोल रहे हैं वो लगातार बोलते रहे, मतलब किसी और की बात सुनने में, आज ये देखिए बेशर्मी देखिए अभी भी बोलते चले जा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस नहीं थी तो सज्जन कुमार उस टाइम पे सांसद थे, तो क्या वो कांग्रेसी सांसद नहीं थे? अगर कांग्रेस नहीं थी तो कमलनाथ के बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने बार बार, चाहे वो नानावटी कमीशन हो चाहे वो मिश्रा कमीशन हो, उनके सामने जाके जो बात बयान करी है रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर की, तो क्या वो कांग्रेसी नेता नहीं? आज तो मुख्यमंत्री स्वयं हुए हैं आज ही के दिन, इतनी मतलब इंडिया में इतनी अनफॉर्चुनेट हालत है आज के, वो इंसान जिसके खिलाफ केस बंद करवाने के लिए कितने कवर अप किए हैं कांग्रेस की सरकारों ने, लगातार किए हैं, 10 कमीशन ऑफ इंक्वायरी में कवर अप किया है, उसकी बात को नकार के राहुल गांधी 2014 में कुछ कहता है जनवरी में और 2018 में अगस्त में कुछ कह देता है। और एक मैं बात बता दूं, अगर कांग्रेस नहीं है तो राजीव गांधी ने ये क्यों स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? आप जस्टिफाई कर रहे हो इंडिफेंसिबल चीज को। अगर कांग्रेस नहीं है तो एक बात बता दीजिए, जगदीश टाइटलर का नाम कहां से आया? कांग्रेस नहीं है तो एचकेएल भगत का नाम कहां से आया? वो भी तो मंत्री थे। अगर कांग्रेस नहीं है तो ये सारे मंत्रीगण क्यों इसमें इन्वॉल्व थे? एचएस फुल्का साहब जो निशांत कह रहे हैं, जो नुपुर कह रही है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है 203 पन्नों का,
उसको जितना मैंने पढ़ा उसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज शब्द का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है उसमें। एक मिनट निशान जी, बीच में मत बोलिए सर, एक मिनट, सबको एक एक करके बोलेंगे। फुलका साहब, उसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज यानी कि राजनीतिक संरक्षण, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, मतलब कोई था सर जो 34 सालों तक बचाने की कोशिश कर रहा था? पॉलिटिकल पैट्रोनेज था किसका सर? फुलका साहब, मैं इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो गोपी कौर जी अभी जो बोल रहे थे आपके वहाँ विधवा गोपी कौर, वो उनका परिवार ये कांग्रेस के सपोर्टर थे, ये सभी कांग्रेस के सपोर्टर थे। अगर कांग्रेस ने नहीं मरवाया, अगर कांग्रेस लीडर को इन्होंने अपने जो घर वालों को मारते हुए नहीं देखा, तो ये एकदम कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलेंगे? जो जिंदगी भर कांग्रेस का सपोर्टर रहा हो, ये उन्होंने खुद देखा कांग्रेस के लीडर, इनका वहां पे रामपाल सरोज था जो कांग्रेस का लीडर, वो मारने वाला अशोक, डॉक्टर अशोक था। तो ये सबसे बड़ी बात कांग्रेस को ये समझनी चाहिए, जिन लोगों ने जिंदगी भर कांग्रेस को वोट डाली है, अगर वो दंगों के एकदम बाद कांग्रेस का नाम लेते हैं, क्यों लेंगे, किस लिए लेंगे? आपको कौन सी कोर्ट की जजमेंट चाहिए जब आपके अपने सपोर्टर कह रहे हैं कि आपके लीडरों ने हमें मारा? पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी जजमेंट आप देख लो, इस जजमेंट में ये बयान किया हुआ है कि किस किस तरह जो स्टेट मशीनरी है, किस तरह पुलिस ने खुद ये इन दंगाइयों का साथ दिया, किस तरह पुलिस ने खुद इस क्राइम को रिकॉर्ड नहीं किया, रोज नामचे में लिखा ही नहीं कि किस तरह के हुए हैं। अगर कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं थी तो मुझे ये बताइए, राजीव गांधी ने ये पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? उनको प्रमोट किया, उनकी प्रमोशन की, किस लिए की प्रमोशन? रिवार्ड देने के लिए, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कि यहां पे कोई केस हुआ। यहां पे लिखा हुआ है, यही दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट का रोज नामचा डीडी डायरी में 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक लिखा है, जहां कोई काबले रिकॉर्डिंग, कोई जुर्म हुआ ही नहीं जी। और बाद में जाके पता चला वहां पे 341 सिखों को मारा, सैकड़े घर चलाए, सैकड़े वही कल चलाए। जब ये पता चला तो राजीव गांधी ने क्या एक्शन लिया और उसी एसएचओ को प्रमोट किया 3-3 बार? कपिल, ये जो मैं फैसला पढ़ रहा हूं उसमें भी लिखा गया है, दिलो एंड ऑर्डर मशीनरी क्लियरली ब्रोक डाउन एंड इट वॉज लिटरली अ फ्री फॉर ऑल सिचुएशन विच परसिस्टेड। मतलब जिस बात का जिक्र अभी फुलका साहब कर रहे थे कि पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया, दंगे किए गए, नरसंहार हुआ और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी बैठी रही। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि इसी फैसले में यह भी लिखा गया है कि 21 साल लग गए जांच शुरू होने में, 10-10 कमीशन बना दी गई, सब कुछ हुआ, यानी कि कुछ तो ताकतें थी जो बचाने की कोशिश कर रही थी कुछ लोगों को, इसलिए 34 साल लगे। देखिए, कुछ ताकत नहीं, बहुत स्पष्ट था। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे इसी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में, लाजपत नगर में, पश्चिम दिल्ली में, दिल्ली कैंट में जो हो रहा था, कांग्रेस के नेता और छोटे मोटे नेता नहीं, गांधी परिवार के दाएं और बाएं खड़े होने वाले नेता, कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, वो लोग खड़े होकर सड़क पे दंगे करवा रहे थे। रकाबगंज गुरुद्वारा के बाहर कमलनाथ खड़े थे जब एक बेटा और उसके पिता को टायर गले में डाल के गुरुद्वारे को जलाने की कोशिश की गई और उनको जिंदा जला दिया गया। तो दंगाई भेजे जाने वाला दंगा भी नहीं था, नेता खड़े होकर हत्या करवा रहा था। और मैं यहां दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक बात यह कि अगर राजीव गांधी आज जिंदा होते तो शायद यह भी संभव था कि इनमें से किसी केस में राजीव गांधी को भी उम्र कैद होती या फांसी की सजा होती। और दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी माफी मांगे, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। बात यह है कि सबसे पहले तो राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। जो खुलेआम नरसंहार को, कत्लेआम को सपोर्ट करने वाला प्रधानमंत्री खड़ा हो, किस बात का भारत रत्न राजीव गांधी को दिया गया है? कत्लेआम करने का भारत रत्न दिया गया है? मेरे को लगता है बड़ा पेड़ हिले और गिरे और धरती हिले, इतने कहने पर ही भारत रत्न छीन लेना चाहिए। माफी तो बहुत दूर की बात है, पहले इनको जो उपमाएं दी गई है वो वापस ली जानी चाहिए। जैदी साहब, मेरे ख्याल से आज तो आप पॉलिटिकल जो भी आपकी लीनिंग है उससे ऊपर उठकर आज राहुल गांधी से माफी की मांग या कांग्रेस पार्टी से जवाबदेही मांगे, कौन बचा रहा था भाई इन लोगों को? मैं तो हमेशा ऊपर ही उठ के बात करता हूँ, वतन को आग लगाई है बागबानों ने, गुलों के नाम पे शोले उगाए जाते हैं, ये शहर है कि तमद्दुन की लाश है कोई, यहाँ चिता की तरह घर जलाए जाते हैं। मैं सलाम करता हूँ फुलका साहब को, और इस देश के लिए ऐसे 10-20 नहीं 100 फुलकाओं की ज़रूरत है
जो अपराधियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। और मैं इसे इंसाफ भी नहीं कहूंगा कि इंसाफ हो गया, 34 वर्षों में किसी केस का एक केस आ जाना, और अभी तो अपराधी को ये संरक्षण प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो मैं इसे इंसाफ नहीं किसका संरक्षण भाई, कानून का संरक्षण तो है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके लिए इतना अधिकार है। खुलकर बोलिए ना आप भी, जैदी साहब बच के आप देखिए ना, सारे दंगा पीड़ित सामने बैठे हैं, आज भी आप बच रहे हैं। बोलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, सुन लीजिए आप, बोलिए राहुल गांधी ने जख्मों को कुरेदने का काम किया, ये कहा कांग्रेस पार्टी शामिल ही नहीं है, कांग्रेस के सांसद सब सज्जन कुमार है, उम्र कैद की, आज भी आप बच रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, महागठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। सुन लीजिए, मैं तो सिख समुदाय को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि वो जालिम को ना, जालिम को ये नहीं भूलने देते कि तूने जुल्म किया, ना ये खुद भूलते कि हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हुआ, मैं इसलिए सलाम करता हूँ। इस देश के अंदर कितने 84 हुए, हजार हाथ 84 हुए, प्रधानमंत्री जकिया जाबरी कहते हैं प्रधानमंत्री, क्या उस पर माफी मांगे साहब? मुझे पता था मैं 84 की बात कर रहा हूं, 2002 याद दिला रहे हैं, मैं 84 की बात करूंगा, 2000 यही पर आज जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं सर, यहीं पर तेजाब डालते हैं, मरहम लगाने की बात, ये मरहम लगा रहे हैं 2002 याद दिलाकर। 10 वर्षों तक इसी समुदाय के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी कांग्रेस से बनते हैं, क्यों नहीं सवाल पूछा गया कि क्यों प्रधानमंत्री बने उस समय? सुन लीजिए, उसी समय तुरंत बाद इसी समुदाय के बूटा सिंह गृह मंत्री थे, क्यों नहीं पूछा गया समुदाय क्यों नहीं बन के आगे गिरेवान पकड़ा गया? ये सवाल आप इतनी बुलंद आवाज में राहुल गांधी से पूछ के दिखाइए, मैं कुछ आप पूछे ना, आप कहिए राहुल गांधी माफी मांगे, कहिए कह के दिखाइए आप, मैं तो ये कह के दिखाइए राहुल गांधी माफी मांगे, इस्तीफा दे कह के दिखाइए आप। सर जी नहीं बोलेंगे, वो छोड़िए ना, क्यों उनके लिए माफी मांगे, आपका पाखंड एक्सपोज हो जाता है, बोल के दिखाइए राहुल गांधी माफी मांगे। के दंगे हुए, मुझे दंगे, तेरा दंगा मेरा दंगा चल रहा है यहाँ पर सर, तेरा दंगा मेरा दंगा चल रहा है यहाँ पर, सामने बैठे सर, आप राजनीति कर रहे हैं, मैंने सलाम कर रहा हूँ, चाहती हूँ जैदी साहब, इन लोगों को यहाँ जो बैठे ना आपके विक्टिम्स के परिवार, इनको नहीं लग रहा कि आप इनको सलाम कर रहे हैं? आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं ना, और ये मेरा नहीं, आप जैदी साहब आपके बीच में नहीं बोली, जैदी साहब बीच में नहीं है, बीच में नहीं, जैदी साहब बीच में नहीं, जैदी साहब नुपुर बीच में नहीं बोली जब आप बोल रहे थे, आपके तथ्य सही नहीं हो रहे। एक मिनट सर, आज समझिए सर, आज इनका सम्मान करिए सर, आज इनका सम्मान करिए सर, एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट जैदी साहब, जब आप बोल रहे थे नूपुर बीच में नहीं बोली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैं चीखम चिल्ली नहीं चाहता हूं सर, बहुत बहुत ही सेंसिटिव इशू है सर, जख्मों पर मरहम लगाने का काम करिए, कुरेदिए नहीं सर, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोली, मसला मेरे जख्म दिखे नहीं बोली आपको, वो नहीं बोली मेरे जख्म नहीं दिखे, नहीं बोले सर मेरे जख्म नहीं दिखे, आज अपना जख्म दिखाइए, जब मुझे मारा तब जख्म नहीं दिखे, मैं सबसे पहले जब मजाना हासिमपुरा ने मारा तब जख्म नहीं दिखे, तुम्हारे जख्म देखे हम, कौन मरा तुम्हारे परिवार, हमारे परिवार के 11 घर चले गए, तेरा घर का कौन मरा, मजाना हासिमपुरा में ले जाके चले, ठीक है जैदी साहब, अब एक मिनट हो गया, आमिर हैदर जैदी थोड़ी तो शांत करिए सर, चलिए शांति, ठीक एक मिनट, नूपुर एक मिनट, ठीक है जैदी साहब एक मिनट, मैम एक मिनट जैदी साहब, आप बोल रहे थे सब कोई नहीं बोल रहा था सर, शांति सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सेंसिटिव इशू है सर, चिकन चिल्ली नहीं करेंगे, नूपुर 30 सेकंड दीजिए, एक मिनट, मैं बहन आपका दुख समझता हूँ, हो गया जैदी साहब, हो गया, आपके दुख के साथ अपना दुख मिला लिया, आपके दुख के साथ अपना दुख मिला, ये राजू से मिला हुआ था, ये भी हमारे पास है, जिसके मोदी का लाल जाता, जिसको मन में क्या पीछे का, ये भी काती ने हमारा लाल किया, हमारे शौक के हमारे भाई भतीजे गए, जैदी साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, जैदी साहब आज हद होगी सर, आज हद होगी, आप दंगा पीड़ितों से बहस कर रहे हैं सर,
आप बोल रहे थे मैं स्वागत करता हूँ, आप मत करिए सर स्वागत, आप मत करिए सर स्वागत, इनके दंगे गिनाने आए, आप दंगे गिनाने आए, तेरा दंगा मेरा दंगा, तेरा दंगा बस मेरा दंगा कर रहे हैं क्या, यहाँ दंगा कर रहे हैं क्या आप, इनके दुख के साथ अपना दुख मिलाइए बुरा कर दिया। माता जी बैठिए, चलिए ठीक ठीक चलिए ठीक सर ठीक सर ठीक सर ठीक सर ठीक सर ठीक सर आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से सर आप जी जी जिन लोगों के दिल में सहानुभूति नहीं आप उनको बुलाते क्यों हैं? सच क्यों ना सुनते हैं आप? और ये नासर हार के पीड़ित थे, ये दंगा के पीड़ित थे, चलिए ठीक 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 जैदी साहब चलिए ठीक सच सुनो, सच की घर आई तो भाग चले हो क्यों? बड़ा दुख मिला मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, चलिए ठीक 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 चलिए ठीक है जैदी साहब, एक मिनट एक एक करके बोलेंगे नुपुर, ठीक है जैदी साहब जैदी साहब हाँ जैदी साहब नहीं सवालों का सामना नहीं कर सकते सर, आप राहुल गांधी के विरोधी नहीं है सर आपके, चलिए ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक 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 है ठीक है जैदी साहब ठीक है जैदी साहब आइए आइए चलिए नाराज है सर ठीक सर आइए आइए चलिए ठीक ठीक सर आइए 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 सर आइए 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 जैदी साहब ठीक है ठीक है अमन जी चलिए ठीक है नुपुर नुपुर हाथ जोड़ के चलिए ठीक है अरे एक एक करके एक एक करके एक एक करके नुपुर नुपुर इनके हाथ रंगे हुए इनके मुंह भी रंगा हुआ खून से, 84 के कातिल है, कांग्रेस सरकार एक दुख भी सुन के राजी नहीं, यदि सुनते ना तो शायद 34 साल नहीं लगते, क्यों कि हमारे दिल से पूछो, हमारी कॉलोनी में आके देखो हमारे साथ क्या बीतती है, अरे ये तो बादशाह है ये तो राजा है, इनकी चुटकी पे सरकार नाचती है, अब हम इनको नचाने के लिए आए तो ये सुनने के लिए राजी भी नहीं। देखिए आज अमन जी एक चीज तो पूरी हो गई है, आपके पास ये दंगा पीड़ित नहीं है, ये नरसंहार पीड़ित है, बहुत फर्क है, ये मेरा दंगा तेरा दंगा की बात नहीं है, और वही मैं माफी चाहती हूँ, वही जुडिशरी है, वही कानूनी व्यवस्था है, अगर आप कंपेयर भी करते हैं तो एक में साफ कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, और एक में साफ कह दिया गया कि सज्जन कुमार को राजनीतिक संरक्षण था और था नहीं है। आज अन्य न्यूज चैनल पर मैं सुन के आई हूं कि कांग्रेस पार्टी का लीगल डिपार्टमेंट खड़ा है, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील डालने गए तैनात खड़ा है, और मेरे को जरा फुलका साहब करेक्ट करें, मैं उसी चैनल पे ये भी सुन के आई हूं कि सज्जन कुमार की वहां पे पेशी लगाने के लिए उनका वकील कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता उनके बेटे थे, तो अगर कांग्रेस का पूरा पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं जो आज यहां पे नरसंहार के पीड़ित माँ बुढ़ी माँ और बुढ़े पिताजी की बात नहीं सुन सकता, उनके ऊपर चिल्ला के डिबेट छोड़ के साथ जा सकता है, तो उसके लिए एक चीज कहूंगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं तो वो भागता नहीं यहां से। ठीक, हमारे साथ नुपुर शर्मा जी, जी माता जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आज्ञा हो तो। देखते देखते तो बुजुर्ग हो गए, कब देंगे हम इंसान, बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, उसका ये इंसाफ दे सकते हैं, हमें सामने बोल सकते हैं ना, कह सकते हैं डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है, हरामजादा नहीं, ठीक 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 है, मेरे साथ जी मेरे साथ कमला वोरा है जो कि एडवोकेट है विक्टिम राइट्स, जो 1984 के नरसंहार के पीड़ितों की वकील एडवोकेट है कमला वोरा जी। कमला वोरा, आपको भी लगता है कि आज अगर सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है, उम्मीद बंदी आगे और भी आरोपियों तक कानून का शिकंजा पहुंचेगा, ये उम्मीद कम से कम है अब और बंदी है? पहले तो अमन जी, मैं कामना वोरा हूँ, और जिस केस में आज जजमेंट आई है उसमें मैं कंप्लेनेंट जगदीश कौर की वकील थी फुलका जी के साथ, फुलका जी लीड कर रहे थे हम सबको इस केस पे, और आज की जो जजमेंट है उससे दंगा पीड़ितों के और जो विक्टम्स थे उनके दिल में एक ऐसी आशा जागृत हुई है कि जिससे उनको ये लगा कि हाँ, इंसाफ चाहे जितना भी डिलेड हो लेकिन ये डिनाइड नहीं है। आज 34 साल की इनकी लड़ाई आज ये रंग लाई है कि इन्होंने जो आज तक तो छोटे छोटे जो फिश थे उन्हीं के ही खिलाफ जजमेंट आ रही थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड था सज्जन कुमार, उसने उसको आज जजमेंट में दोषी करार कर दिया कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर एंड फॉर द जीनोसाइड विच टुक प्लेस इन द एरिया ऑफ राजनगर।
दिल्ली कैंट एरिया में 341 सिख लोगों की जान गई और इतनी ब्रूटालिटी से उन लोगों को मारा कि इन विक्टिम्स की अगर एविडेंस आप पढ़ेंगे तो उससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि व्हाट ऑल दे हैव गॉन थ्रू एंड दे हैव रीलिव्ड वंस दे हैव डिपोज्ड इन कोर्ट। सो ये जो जख्म थे इनके, आज जब जज साहब प्रोनाउंस कर रहे थे जजमेंट, ये सारे विक्टम्स और सारे इनफैक्ट इनके वकील भी दे वर गेटिंग सो इमोशनल कि यस देयर इज जस्टिस विच वी हैव गॉट टुडे। और आज की जजमेंट्स एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जिससे जज साहब ने भी कहा कि ये जो मैसेकर हुआ है ये 1948 का, और इसको हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं जो 1984 में हुआ। 3000 लोगों सिख लोगों की जान गई दिल्ली में, और आज हमको एक आशा बन रही है। कामना जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ एचएस फुलका है जिनको जाना, मैं इसलिए एक दो सवाल उनसे जल्दी से ले लेता हूं क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं। एचएस फुलका साहब, जजमेंट में यह भी लिखा गया कि इस मामले में, जिस मामले में सज्जन कुमार को आज उम्र कैद की सजा हुई है, इस मामले में तो एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। इस सेपरेट केस में 5 लोगों को जो मारा गया, इस मामले में एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। सही है, इसमें बिल्कुल एफआईआर नहीं लिखी थी और ये केसेस चलाया ही नहीं। जब ये चलाया गया तो नानावती के रिकमेंडेशन के बाद ये चलाया गया तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई, मगर उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इसको बंद कर दिया, केस को बंद कर दिया। ये सब कुछ जजमेंट में लिखा है कि कितना ज़्यादा इन लोगों का इन्फ्लुएंस था। और ये बात जो इन्होंने रखा ऊपर जी ने शायद कही थी कि इसमें जो एडवोकेट थे, ये एक तो अमित सिब्बल सज्जन कुमार का, सिर्फ वही नहीं इवन सलमान खुर्शीद भी सज्जन कुमार की तरफ से अपीयर होते रहे। और ये आप अभी तक किसी कांग्रेस के किसी का बयान नहीं आया इस वर्डिक्ट के बाद, जो मैंने तो कम से कम नहीं सुना, जिसने ये कहा हो कि सज्जन कुमार को इतनी बड़ी सजा हुई है, सज्जन कुमार को निकालना चाहिए, उसके पार्टी से निकालना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और इसके बिना पे जो दूसरे लोग हैं तो इसका मतलब जो पीड़ित सही बोल रहे हैं, तो कमलनाथ और टाइटर को भी पार्टी से निकालना चाहिए इनको। और अब जो पूरी की पूरी मुझे जो जहां तक खबर मिल रही है कि माफी मांग तो ली, मनमोहन सिंह ने माफी मांग ली, सिख प्रधानमंत्री देश को दिया, अगर तो फिर कांग्रेस पार्टी कहती है माफी भी मांग ली। देखो माफी अपनी जगह पे होती है, प्रधानमंत्री भी दिया देश को। देखो पहली बात तो ये कि माफी मांगने तो मांगना बनता है, जब भी किसी नागरिक की रक्षा करने में सरकार नाकाम रही हो तो सरकार का फर्ज बनता है माफी मांगना, मगर जिसने वो जुर्म किया है उसको सजा भी दिलाना, ये दोनों चीजें होती हैं, ये एक के बिना दूसरा नहीं होता। माफी भी मांगनी होती है और साथ में सजा भी। अब जिन लोगों ने सजा, जिन लोगों ने जुर्म किए हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनको सजा भी, ये हमारे देश का कानून है तो कानून के मुताबिक उनको सजा भी मिलनी चाहिए, ये भी कानून कहता है और आज कानून ने यही बात कही है। सर ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, राजनीतिक संरक्षण जिस चीज का जिक्र जजमेंट में है, मैं क्योंकि आपको जाने, इसलिए आखिरी सवाल आपसे, किसका राजनीतिक संरक्षण था, कौन बचा रहा था 34 सालों तक, किसने न्याय में देरी की, कैसे हुई? जो उस वक्त सरकार थी, देखिए जो उस वक्त की सरकार है, बिल्कुल जब राजीव गांधी का बयान आया, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए, नेशन से माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। वही वाली बात है फुलका साहब, ड्यू रिस्पेक्ट है देश की, बात की सरकार ने बता दीजिए, उसकी बजाय उसने इसको जज करार दिया कि हम खाली, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सरकारों ने संरक्षण नहीं दिया, उसको जज करार दिया। और जो उसके बाद ये बताइए 84 के बाद कितनी और कांग्रेस सरकारें आई, उन्होंने संरक्षण नहीं दिया क्या, वो इनको बचाने के लिए लग रही है ये केसेस, उन्होंने क्यों नहीं प्रूव किया, ये बात गलत है, ये बात आप एक रहने दीजिए। अगर पहली एक पहली कमीशन ऑफ इंक्वायरी जिसने, अगर आई एम सॉरी टू से, तो आपको जस्टिस नानावटी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बारे में पता नहीं है,
तो आप जरा थोड़ा पढ़ लिख के आइए और संरक्षण दिया था उस तरह बीजेपी की इंक्वायरी नहीं थी। आई एम सॉरी आई डू नॉट टू यू इन द कोर्ट बट संरक्षण तो आज भी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात करती है। अगर आप रूप शर्मा जी देखिए मैं राजनीति कूल नहीं देना चाह रहा था आप मजबूर कर रही हैं। अगर आप ये कहती हैं कि कांग्रेस इसमें दोषी है तो माया कोटदानी और बाकी जो बीजेपी के कन्विक्ट हुए 2002 में तो आप बोलिए बीजेपी भी कन्विक्ट की गई बीजेपी भी दोषी थी। आपकी भाजपा की जो मक्कारी है वो अपने पास रखिए। आप विक्टिम्स को सामने बिठा के जो भड़काने वाले काम करती है उससे आप बंद करिए। अगर आप ये कहती है कि इनके सज्जन कुमार जैसे आदमी को अगर दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस दोषी है तो माया कोटदानी को दोषी पाया गया तो भाजपा दोषी है। आप दोनों साइड कैसे जा सकती है? आप जैसे लोग विक्टिम्स का आगे ये पीड़ित को और ज्यादा पीड़ित बनाते हैं। आप विक्टिम्स के साथ मजाक बंद करिए। ये राजनीतिक तूल देना बंद करिए। एक मिनट ठीक है निशान निशान करने दीजिए और निशान जी मैं कल से अगर डाउट है निशान जी को बोलने दीजिए। निशान वर्मा मैं आपके पास आ रहा हूँ आप खुलकर बोलिएगा। निशान वर्मा मुझे डाउट है सर आपको आप ये कहेंगे भी कि कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल है या कांग्रेस शामिल थी भी या नहीं आपके हिसाब से सिख नरसंहार में ये कांग्रेस पार्टी को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? इसका मैं ये बात खुल के कह सकता अगर कोर्ट के ऑर्डर में उस पार्टी का नाम लिखा होता या सरकार का नाम लिखा होता मतलब आपको कह सकता ये सज्जन कुमार किस पार्टी के नेता है सर? सज्जन कुमार जगदीश राइटलर किस पार्टी के नेता है सर? मैं कोर्ट के ऑर्डर के तहत जी आप ही जैसे लोग हैं सर आप ही जैसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं दंगा पीड़ितों का सर कि एक व्यक्ति आप अभी भी कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं बैठकर और आप कहते हैं मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं सर। लेकिन माफ कीजिएगा सर आप कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हैं सर ये कोर्ट के ऑर्डर के बाहर कैसे जा सकते हैं? तो आपकी परिभाषा कुछ भी है मेरे पॉलिटिकल पेट्रोनेज की निशान जी क्या चीज नहीं पढ़ के आए आप पॉलिटिकल पेट्रोनेज आई एम सॉरी निशान जी आप टीवी के ऊपर बैठ के झूठ नहीं बोल सकते जब मेरे सामने बुढ़ी माता और बाबूजी यहां पे रो रहे हैं। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक दल से है आपको कोर्ट कह रहा है कि आप दोषी हैं। कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक संरक्षण था लेकिन राहुल गांधी के कोर्ट से कानून से संविधान से ऊपर है सारे सामने भाजपा ने 2002 शामिल नहीं था तो माफी क्यों मांगी? अगर कांग्रेस शामिल नहीं थी तो माफी क्यों मांगी? देखिए कोई भी सरकार हो कोई भी पार्टी हो उसका ये बड़प्पन होता है कि अगर उसके रहते या ना रहते भी अगर बड़प्पन था कांग्रेस पार्टी का छोड़िए सर ठीक है दंगे हुई नरसंहार ऊपर जी बीच में मत बोलिए टाइम लैग है मैं बड़प्पन था नहीं खड़ा हूँ बोल लेने दीजिए। ये एक बड़प्पन होता है प्यार होता है बड़प्पन होता है देशवासियों के साथ। ये कांग्रेस का बड़प्पन था क्या? इनको शर्म आनी चाहिए जैसे बयान दे रहे हैं ये डिबेट करने आए हैं या फेस करने आए हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि जो कांग्रेसी नेता सिखों को दुख देगा तकलीफ पहुंचाएगा उसको इनाम मिलेगा और आज कमलनाथ को इनाम दे रहे हैं इनको दुख हो रहा है इनके अंदर इंसानियत है तो आज ही कमलनाथ का चले ठीक 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 एक मिनट कपिल मैं आ रहा हूँ एक मिनट। ऐसे है कि जब राजीव गांधी ने देखा कि मेरी माँ मरी हुई है और उसने ऑर्डर डायरेक्टली दिया दिल्ली के सिखों को रहने नहीं देना और हम लोग उस वक्त 17 साल की उम्र थी और तिलक नगर के एरिया में हम लोग रहते थे और हमें पता है ये बातें करते हैं बैठ बैठ के टीवी के ऊपर इनको क्या पता है? हमें पता है कैसे अध जले लोग कैसे सड़े हुए लोग बाल काटे हुए कैसे चप्पल लिया पैरों में और कपड़े फटे हुए हैं लोग जहाँ से ये नरसंहार कर रहे थे दूसरे इलाकों में आ रहे थे और इन्होंने जब ये बात करते हैं माफ़ी की माफ़ी मांग कर ये छूटना चाहते हैं। आज जब इनको कोर्ट सजा दे रहा है 34 साल इन्होंने हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़का
और आज ये कहते हैं कि हमने माफी मांग ली किसी का मर्डर करके। कपिल, कपिल, कांग्रेस से जब ये सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस कहती है हमने देश को सिख प्रधानमंत्री दिया, हमने माफी मांग लिया, अब और क्या चाहते हैं? और निष्पक्ष तरीके से ट्रायल चल रहा है, जांच चल रही है। एक तो मैच ही जो मैंने सिख धर्म के बारे में पढ़ा या समझा, सिखों के बारे में, तो दो आदमी जैल सिंह और मनमोहन सिंह कहीं से भी सिख नहीं थे और सरदार नहीं थे, वो रिमोट कंट्रोल पे बैठे हुए थे, उनकी पगड़ी भी नकली थी और उनकी सिक्खी भी नकली थी। वो जैल सिंह और मनमोहन सिंह को कोई बोले कि सिख या सरदार था, तो सरदार रिमोट कंट्रोल पे नहीं चलते हैं, सरदार सरदार होता है जो लीड करता है, जो पीछे चलता है वो सरदार नहीं होता है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले कोई कीमत नहीं है, फोन करते हैं कि मेरे रिश्तेदार पटेल नगर में फंसे, उनको जाकर निकालो, जो देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त था उसका पत्थर पड़े, मेयर था दर्शन साथी, वो जो गाड़ी के डिक्की में छुपकर अपने इलाके में आया, इनको शर्म आनी चाहिए, अपने राष्ट्रपति को उनका रिश्तेदार बचाने पड़े। और इनको इस बात का नहीं मालूम, अब जब 84 हुई तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर करके एक एक सिख को, चाहे वो कांग्रेसी है चाहे वो दूसरी किसी पार्टी से रिलेटेड हो, इन्होंने मारा उनको और उनके घरों को जलाया। मैं तब से 8 साल का था और मेरे सामने हमारे अपने रिश्तेदारों की फैक्ट्री चली और हमें हमारे गुआंडियों ने जिस तरह बचाया, हमारे जूड़े की जगह हमें गुत्ते करनी पड़ी हमारे, उस हम कैसे बचे हैं। मेरे फादर हमें काम पे गए हैं और रास्ते में पता चलता है कि दंगे हो गए, वो 3 दिन फ्लैट बन रहे थे विकासपुरी में, वहाँ 3 दिन वो रुके हैं और हमें मालूम नहीं हमारे पिताजी कहाँ पर है, हम कहाँ पर है, हम बेसहारा होके लोगों के घरों में रुके हुए हैं। ये नादरशाही हुक्म था राजीव गांधी का, 3 दिन नादरशाह ने तलवार निकाली थी और लाखों लोग मरे थे। राजीव गांधी ने 3 दिन दिए इनको कि सिखों को जितना कत्ल कर सकते हो कर दो, बेपरवाह हो जाओ, पुलिस आपके साथ, आर्मी मेरठ से मंगा रहे हैं दिल्ली में 50,000 आर्मी। तो कमला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके पाऊंगा, अगर केस इतना ही, कामना जी, अगर केस इतना ही क्रिस्टल क्लियर था, इतने सबूत थे, इतने गवाह थे, तो फिर 34 साल कैसे लग गए इंसाफ मिलने में? ये 34 साल बाद जाकर उम्र कैद की सजा, 3,000 सिखों का कत्लेआम और उसके बाद उम्र कैद की सजा। इसमें सिर्फ एक इंसान को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये पूरा सिस्टम ही था, वो पूरा कलैप्स हो चुका था। जो भी इसमें चार्जशीट फाइल हो रही थी तो उसमें कोई भी एविडेंस जानबूझ के पुलिस ने कलेक्ट नहीं किया था और वो क्लोजर रिपोर्ट्स में आ रही थी। पहले तो FIR ही रजिस्टर नहीं हो रही थी, जो इनके मास्टरमाइंड्स थे उनके खिलाफ FIRs नहीं रजिस्टर हो रही थी। अगर आप जगदीश कौर जो कंप्लेनेंट है इस केस की, जिसमें आज जजमेंट आई है, वो पुलिस चौकी गई थी अपनी कंप्लेंट लेकर और उसमें उसने सज्जन कुमार का नाम लिया था, तो उसको ये बोला गया था पुलिस पोस्ट में, पुलिस चौकी में, कि क्या तुम होश में तो हो कि जिसका नाम तुम ले रही हो, तुम होश में तो हो, जितने लोग तुम्हारे घर में और हैं उन वो भी मारे जाएंगे अगर तुम इनका नाम लोगी, और उसकी केस नहीं रजिस्टर किया। उसके बाद ये बोला कि भी हमने आपका केस इस रजिस्टर नहीं करना, जब और मुर्गे भूने जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, कपिल, कपिल, मतलब ये तो इंसाफ था विक्टिम्स के लिए। जरूर कहना चाहूंगा कि 34 साल के बावजूद भी जो न्याय मिला है, कम से कम एक व्यक्ति सज्जन कुमार को सजा मिली, बड़ी मछली पकड़ी गई, वो भी हमारे कानून और संविधान की ताकत है, वरना 5 साल राजीव गांधी की सरकार, फिर नरसिम्हा राव की सरकार और फिर वही सरकारें जो कांग्रेस पे टिकी हुई थी समर्थन पे, ये FIR दर्ज नहीं, एविडेंस नहीं, बयान नहीं, कोई घटना हुई नहीं, ये तो हमारे कानून और संविधान की ताकत है कि उसके बावजूद भी साबित हो पा रहा है, वरना तो सब कुछ खत्म कर दिया गया था। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि किसी को सजा ही ना मिल पाए। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, इसीलिए वो अटल बिहारी साहब की सरकार ने की, उन्होंने हैरानगी जाहिर की 2013 में एक्विटल और 2018 में सीधा उम्र कैद। मिश्रा जी, ये फैसले में इतना फर्क बताता है कि उस वक्त बचाया गया, बाकी 5 को 3 को उम्र कैद और 3-3 साल, ये बताता है 2013 में बचाया। देखिए अगर आप थोड़ी सी, अमन जी एक सेकंड, निशान जी आप नरसंहार के पीड़ितों के ऊपर चिल्ला ले, आप प्रवक्ताओं के ऊपर चिल्ला ले, आप चिल्ला लीजिए,
अपने आप में अपने कानों में सुनिए अपना चिल्लाना, दूसरों को बोलने दीजिए। सबसे जरूरी ये बात है आज करनी, सबसे जरूरी बात समझनी ये है आज के जब बेट मारवा कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी उसी टाइम पे उसको बंद करके जब दूसरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे बात गई तो ज्यादातर जो एविडेंस कलेक्ट भी कर लिए थे क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा ऑब्वियस और ओपन था। आपके सामने आज बता ही रहे हैं वो फॉरवर्ड किया ही नहीं गया, तो 10 कमीशन ऑफ इंक्वायरी जब निकल गई तो आप लगा लीजिए 10वें तक क्या हाल होगा। बार बार सज्जन कुमार का नाम आया लेकिन उनके ऊपर केस नहीं हुआ। सज्जन कुमार के एक एड ने जाके दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपील करी, रिट पिटीशन डाली कि मेरे खिलाफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो इसके ऊपर स्टे हो, तो उस टाइम पे कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उसको अपोज तक नहीं किया। दो साल बाद अपने आप उसपे स्टे हो गया, एक और कमीशन ऑफ इंक्वायरी रद्द हो गई। आज जरूरी समझना ये है कि जब 2000 बोलने दो निशान जी, जब एनडीए 1 की सरकार थी तो जब तक नानावटी कमीशन ऑफ इंक्वायरी आई जितना वहां पे अवेलेबल एविडेंस था उसे कलेक्ट किया, और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2015 में दूसरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी आई, और आज इस साल जनवरी के अंदर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि 186 केस जो बंद किए गए हैं उनको दोबारा खोला जाए अगर कोर्ट कचहरी ना हो, और अगर ये सत्ता परिवर्तन ना होता तो सारे कागज राख में मिल गए होते और निशान जी चिल्लाते रहते। एक चीज मैं बोलना चाह रही हूं जी, बहुत जरूरी है, मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस और उनके जो पक्ष में जो यहाँ पे बोल रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं नरसिम्हा को, ये किस मुंह से कहते हैं कि माफी मांग तो ली हमने, मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो दिया, हमने बूटा सिंह को मंत्री बना तो दिया, जेल सिंह को राष्ट्रपति थे तो सही, ये किस मुंह से बोलते हैं? क्योंकि अगर ये कह रहे कि हमने ये कर तो दिया तो अगस्त 2018 के अंदर तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह कह दिया कि हमने तो किया ही नहीं। तो फिर किसकी बात माने हम? निशांत इन्होंने अपने संघ के लोगों को क्यों बचा के रखा है? बात करके सामने एफआईआर है, अपने बचाव के लिए ना कहिए। ठीक निशांत, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी तो फिर तो आप ये भी कहेंगे राजीव गांधी का बयान भी सही था कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, फिर तो बयान भी सही होगा आपके हिसाब से, इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, है ना निशांत जी? अब मैं दो बातें रखूंगा, उस बयान को मैं यहाँ पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उस बयान को देने वाला व्यक्ति जीवित नहीं है। मैं क्या तो बयान की भर्त्सना नहीं करेंगे ना? लेकिन मैं नूपुर शर्मा जी बयान की भर्त्सना नहीं करेंगे ना, चाहूंगा पीड़ितों से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। और आपसे क्या सवाल पूछूं? बोलते रहे, इतना खुश हूं निशान जी, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं नहीं, देखिए काटेंगे तो मतलब आप काटेंगे तो आप हकीकत छुपाना चाहते हैं। बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, आप बोल रहे हैं पूरी डिबेट के अंदर, दूसरों के सुनने की सहन शक्ति रखिए। आप खड़ी हैं आप अपने कांग्रेस के फ्रेम के अंदर, मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर हूं तो मैं पीड़ितों से बात नहीं कर सकता। आप मेरी आवाज दबाना चाहेंगी? आप मेरी आवाज दबाना चाहेंगी? क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं वहां खड़ा होता तो मैं आपकी आवाज दबा देता और आपसे मैं कहता कि मुझे बात नहीं। आप यहां पे बेशर्मी की तरह बैठ के उनका पक्ष ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपने एक बार भी बोला कि राहुल गांधी ने गलत बोला जब उससे कहा कि नरसिम्हा आप एक कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, कैसे बोल दिया राहुल गांधी ने? निशांत 84 बड़ा पेड़ हिलता है, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, बयान सही था आपके हिसाब से? छोड़िए ना सर, निशांत भाई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, राजीव गांधी इतनी सी भी शर्म एक मिनट बोलने दीजिए, ठीक है बोलने दीजिए निशांत, बोलिए निशांत। आपके चीखने से कुछ नहीं होगा, पीड़ितों को आप गुमराह कर रही हैं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग माता पिता जी बैठे हैं उनके आगे अगर आप कर रही हैं स्टूडियो, मैं और पीड़ित जहाँ पूरा देश खुश है कि आज इतना अच्छा फैसला आया, आप जल रहे हैं, भाजपा डर रही है कि मैंने ये पोल खोल दी पीड़ितों के सामने, आप ठीक कह रहे हैं आपके हिसाब से राजीव गांधी का बयान भी सही था, मुझे पता है, भर्त्सना भी नहीं करेंगे। कपिल आप ऐड करना चाह रहे हो, उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा जल्दी से। मैं तो केवल इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि ये कहते हैं चीखते रहिए कुछ नहीं होगा, ये चीखों का और रोने का और बद्दुआओं का असर है कि वो कातिल आज उम्र कैद पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और वो टाइटलर भी जेल में सड़ेगा एक दिन, और राजीव गांधी जिंदा होता तो राजीव गांधी भी जेल में सड़ता और मौत जेल के अंदर ही होती, वो तो ऊपर वाले ने बचा लिया कि पहले हो गई मौत। और ये कहते हैं चीखों का असर नहीं होता, चीखों और बद्दुआओं का असर होता है और चीखों और बद्दुआओं से कातिल जेल में जाते हैं और कातिलों को सजा मिलती है। एक मिनट चलिए ठीक है माता जी, अब आपको लगता है कि आज सज्जन कुमार है तो कल और नेता होंगे जिन पर कानूनी शिकंजा होगा, एक उम्मीद तो कम से कम बंधी है। बेटा ये हमारे कॉलोनी के एक चल भगत तेल की गाड़ियां भर के लाया, टेटनर
और रामपाल सरोज, ये सारे कांग्रेसी नेता, ये सारे मगरमच्छ यही थे जो छोटे लोगों को शराब खुली कर दी, उनके लिए इन्होंने जिंदों को जला, ऐसे जल रहे जैसे लकड़ जलती। अब आपको लगता है कि इंसाफ कम से कम, क्योंकि आज शुरुआत हुई सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई तो और भी नाम है, जगदीश टाइटलर कई नाम है, आपको लगता है कि अब एक उम्मीद बंदी है कि हाँ अब इंसाफ होगा और कानूनी शिकंजा वहां तक पहुंचेगा? मिलेगा इंसाफ, मिलेगा हमारा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन इनकी सरकार थी, अब ये बताओ इनका रास्ता भी मयाना रखता है, 3 दिन 3 रातें 72 घंटा कोई बचाने वाला नहीं था, वो भी राजधानी में, राजधानी के अंदर, राज इनका था, कौन सा बोल रहा है बेशरम कहीं का। चलिए ठीक ठीक ठीक, नहीं मेरी बात सुनो, ये जो इतना बोल रहा है इस, ये कहता मेरे से कोई पूछ के देगा, इससे पूछ के देगा, ये सामने आके खड़ा होके बात तो करता, मेरे परिवार के इतने मरे, हम तो कह रहे हैं हमारे परिवार के 11 जने मरे, ये कैसे चिल्ला रहा है, ये कांग्रेसी बंदा हमारे सामने चिल्ला रहा है, यहाँ मैं कहती हूँ सज्जन कुमार आए, हम उसको जुतियों के साथ। नहीं चलिए ठीक, चलिए ठीक है ठीक, आप जल्दी से आप कुछ कहना चाहिए, मुझे वाइंड अप करना। 36 ईयर की है और मैं उससे 1 साल का था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कांड के बाद जसमीत से हमारा बिल्कुल उठ गया था कि हिंदुस्तान में हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि सिख जो है हमारे हैं, सारे बच्चे अपने इंडिया से बाहर भेजे थे कि उनको डर था, आज ये लगता है कि कुछ है, कि लेट आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ अभी लगता है कि आगे और भी उम्मीद जागी है, कुछ ना कुछ उम्मीद जागी है, आगे फैसले अच्छे। चलिए ठीक है जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना जल्दी से। इतना पॉलिटिकल होने के बाद, इतना गवाह और सबूत होने के बाद, ऐसा 34 साल लग गए इस केस को, जब तक कोई पॉलिटिकल ताकत होगा नहीं पीछे तब तक इतना टाइम लग ही नहीं था, और इसी वजह से फैसले में भी पॉलिटिकल पेट्रोनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये कहा गया कि राजनीतिक संरक्षण था, इस वजह से 34 साल लग गए, लेकिन देर है अंधेर नहीं, फैसला हुआ, दंगा नरसंहार, मैं दंगा नहीं कहूंगा, नरसंहार पीड़ितों के पक्ष में हुआ, 84 के बहुत बड़ा जेनेसाइड था और आजाद भारत के इतिहास में एक काला धब्बा था। बल्कि आपको बता दें फैसले में, मुझे वाइंड अप करना है, 2 से 3 बातें जल्दी से आपको बता दें, 47 के समय जब आजादी हुई थी तब जो दंश देखने को मिला था दंगों का, कोर्ट ने अपने फैसले में उस चीज का जिक्र किया कि जो 47 के समय जो दंगे हुए थे उससे तुलना की गई नरसंहार की, यहूदियों को जिस तरह से टारगेट किया गया, पाकिस्तानी जिस तरह से बंगालियों को मारा, बांग्लादेश जो बांग्लादेश बना वो उससे तुलना की गई, कोर्ट ने अपने फैसले में, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नरसंहार था ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नुपुर आपका, फुलका साहब आपका, कपिल जी आपका, कामना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निशान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ताल ठोक के देख रहे थे।